हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एम सी यू क्वेश्चन रिलेटेड टू ईस डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम एंड फॉर टूडेज क्लास आई हैव चूजन द टॉपिक रिसीवेबल्स मैनेजमेंट तो जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूँ कि हम कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज एम सी यू क्वेश्चन डिस्कस फॉर ई एस आई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम सबसे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे ही एम सी चैप्टर वाइज डिस्कस कर लिए और उसके बाद हम हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज एम सी डिस्कस कर रहे हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बाद में जाके वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन करवा दिया है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम सी क्वेश्चन रिलेटेड टू रिसीवेबल्स मैनेजमेंट ठीक है देखो चैप्टर वाइज एम सी क्वेश्चन डिस्कस करने का ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्या है ताकि हम वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर सकें वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकें जिसमें हमें प्रॉब्लम्स हैं अगर हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होंगे इस चैप्टर में इस वीडियो में तो हम समझ जाएंगे कि ये चैप्टर हमारा अच्छे से प्रिपेयर नहीं है हमें इसे रिवाइज करना है या फिर दोबारा समझना है ठीक है चले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप में ई एस ए डिप्टी डायरेक्टर जिंदल में कोई भी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक आप हमसे पूछ सकते हैं और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको डेली जीके के क्विजेस टॉपर स्ट्रेटेजीज ईयर पेपर्स एग्जाम अपडेट्स लाइव वीडियो सेशंस एंड मंथली जीके अवेलेबल हो जाएगा ठीक है और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से अनुजिंजल डॉट इन पे जाइए वहां पे बाय कोर्सेज पे ईएसआई पे जाके इनरोल कर लीजिए ठीक है अब चले अपने क्वेश्चंस की ओर तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स इज लेस देन बैलेंस ऑफ द मंथ विच वन इज द ट्रू आउट ऑफ कलेक्शन इज ग्रेटर देन करेंट परचेजेस कलेक्शन इज ग्रेटर क्लोजिंग बैलेंस है जो रिसीवेबल्स का वो कम है एज कंपेयर टू दिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स तो इन चारों स्टेटमेंट में से क्या सही है ठीक है अब आंसर देने से पहले आंसर देने से पहले याद रखना आपको एक पेज निकाल लेना है हम फाइव एम सी डिस्कस करेंगे five के मेरे देने से पहले आपको उस पेपर में लिखने हैं और चेक करना है कि फाइव में से कितने आपके सही होते हैं इफ मैक्सिमम आंसर सही हो रहे हैं well है, है? अब अपने क्वेश्चन पे वापसी आते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल इज लेस देन दैलेंस देखो जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसका मतलब क्या होता है कि हमारे मंथ के स्टार्टिंग में कितने रिसीवेबल्स से रिसीवेबल्स का मतलब कितने लोगों से हमें पैसे लेने हैं राइट फ्रॉम हाउ मेनी पीपल वी कलेक्ट दी मनी दैट इज ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मतलब मंथ के एंड में मंथ के एंड में हमें कितने लोगों से पैसे लेने हैं अगर ओपनिंग रिसीवेबल्स से हमारे फाइव अब इन्होंने क्या किया है क्लोजिंग थ्री हंड्रेड हो गए अच्छा अगर इसकी बात करूं ओपनिंग से क्लोजिंग में जाना है मुझे ओपनिंग से क्लोजिंग रिसीवेबल्स में जाना है तो क्या करना पड़ता है जो credit sales हुई है, उनको मैं ऐड कर दूंगा राइट right? जो क्रेडिट सेल्स हुई है उन्हें ऐड कर दूंगा सर ऐड क्यों कर दूंगा क्योंकि मान लो लेट सपोज थ्री हंड्रेड की और क्रेडिट सेल्स हुई हैं या लेट सपोज हंड्रेड रुपीज की क्रेडिट सेल्स हुई हैं हंड्रेड रुपीज की क्रेडिट सेल्स हुई हैं इस हंड्रेड रुपीज़ का मतलब क्या है सर मेरे को हंड्रेड लोगों से मतलब हंड्रेड रुपीज की और कलेक्शन करनी है हंड्रेड लोगों से नहीं हंड्रेड रुपीज़ की कलेक्शन करनी है और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या माइनस कर दूंगा अपनी जो भी मेरी अब तक कलेक्शन हो रखी है इस मंथ में जितनी भी कलेक्शन हुई होगी राइट लेट सपोज थ्री हंड्रेड की कलेक्शन हुई है तभी हमारा आंसर आ जाएगा थ्री हंड्रेड ठीक है समझ आ गया तो ओपनिंग में क्या करेंगे जो क्रेडिट सेल्स हुई है उसे ऐड करते हैं और कलेक्शन को माइनस करते हैं तो इसमें से हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए करंट परचेजेस का तो यहां कोई लेन देन ही नहीं है क्योंकि जब करंट सेल्स होगी या फिर हमें यहाँ पे क्रेडिट सेल्स होना चाहिए था क्रेडिट सेल्स होगी उससे डिटरमाइन होगा कि हमारी कितनी कलेक्शन होनी है ठीक है परचेजेस कब होता है जब हमारा यहाँ पे पेबल्स की बात चल रही होती ठीक है समझ आ गया अब ध्यान से देखना अगर दूसरे वे में जाना हो दूसरे वे में जाना हो वैसे यहां से आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा लेकिन अगर दूसरे वे में जाना हो देखो एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है ओपनिंग बड़ा है क्लोजिंग से मतलब ऑब्वियस है बीच में हमारी कलेक्शन ज्यादा हुई होगी तभी हमारे जो रिसीवेबल्स हैं तभी जो हमारे रिसीवेबल्स हैं वो रिड्यूस हो गए रिसीवेबल्स रिड्यूस हो गए मतलब कलेक्शन ज्यादा हुई होगी एज कंपेयर टू हमारी सेल्स क्रेडिट सेल्स तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कलेक्शन वुड बी ग्रेटर देन सेल्स या फिर मैं बोलू क्रेडिट सेल्स ठीक है समय आ गया चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट टर्म्स कलेक्शन पॉलिसी कैश डिस्काउंट टर्म्स सेल्स प्राइस ये सारे इनमें से इन चारों में से कौन सा हमारा क्रेडिट पॉलिसी का एलिमेंट नहीं है ठीक है देखो अगर क्रेडिट पॉलिसी की बात करूं, तो क्रेडिट पॉलिसी क्या बताती है हमें कि कितना क्रेडिट देना है हाउ मच क्रेडिट शुड बी गिवन और साथ साथ हमें बताती है कि क्रेडिट टर्म्स क्या होनी चाहिए Credit policy of a firm, what that means? How much a credit should be given to a customer and what be terms and conditions for giving the credit? Right? And in credit terms, we talk about credit period. We talk about credit period. Credit period is the duration for how long the credit should be given to a customer and credit period. Wait. Credit period and डिस्काउंट टर्म्स क्रेडिट टर्म्स हम किसकी बात करते हैं कितने क्रेडिट पीरियड का कितने क्रेडिट पीरियड देना चाहिए और कितना हमारा डिस्काउंट टर्म्स होंगे मतलब दो डिस्काउंट की कंडीशन होंगी तो मतलब क्रेडिट टर्म्स हमारा क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट है फिर कलेक्शन पॉलिसी भी हमारा कलेक्शन क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट आ जाएगा कि भाई कैसे कलेक्ट करना है क्रेडिट पीरियड के बाद हमें कलेक्शन कैसे करनी है दैट विल बी कवर्ड इन दैट फिर डिस्काउंट टर्म्स भी हमारे क्रेडिट टर्म्स में आ जाता है बट क्या हमारे क्रेडिट पॉलिसी में नहीं आता सर सेल्स प्राइस डिटरमाइन करना इज नॉट कंसिडर्ड इन हमारा क्रेडिट पॉलिसी ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्स प्राइस ठीक है अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सेल्स प्राइस भी डिटरमाइन होता है कि कितना डिस्काउंट देना है बट अगर मैं चारों ऑप्शंस को कंपेयर करूं तो मोस्ट सुटेब आंसर क्या जा रहा है ऑप्शन नंबर डी ही

इंक्रीज क्या इंक्रीज सेल्स या इंक्रीज प्रॉफिट देखो इंक्रीज सेल्स और इंक्रीज प्रॉफिट्स के बीच में ट्रेड ऑफ कैसे होगा अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो बहुत सारे चांसेस है कि हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे तो इनके बीच में तो ट्रेड ऑफ का मतलब नहीं बनता ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है या तो हम एक चीज़ बढ़ रही होगी दूसरी चीज़ मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज अगेंस्ट होगी अपोजिट होगी और हमें किसी एक को एक ऑप्ट करना पड़ेगा या इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ठीक है अब आगे क्या बोला हुआ है प्रॉफिट एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स इसका मतलब क्या हो गया देखो जब हम क्रेडिट पॉलिसी की बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी का हमारा मतलब क्या होता है कितने टर्म के लिए हमें कस्टमर्स को क्रेडिट देना है अब इधर एक प्रॉब्लम है ध्यान से सुनना क्रेडिट में मान लो मैंने डिटरमाइन किया कि मैं थर्टी डेज की क्रेडिट पॉलिसी है और एक सिक्सटी डेज की क्रेडिट पॉलिसी है दो क्रेडिट पॉलिसीज है मुझे एक बात बताओ जब क्रेडिट पॉलिसी थर्टी डेज से सिक्सटी डेज होगी तो होगा क्या हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी सर सेल्स क्यों इंक्रीज़ होगी यार कुछ कस्टमर्स ऐसे होते होंगे जिनको फोर्टी या फोर्टी फाइव डेज के लिए लोन चाहिए होता होगा या क्रेडिट चाहिए होता होगा वो पहले जब हमारे थर्टी डेज़ की पॉलिसी थी तब वो हमसे परचेज़ नहीं करते होते थे हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाते होते थे जब हमने अपनी पॉलिसी चेंज करके सिक्सटी डेज़ करी डेज करी तो उससे इफेक्ट क्या आया हमारी सेल्स चेंज हुई सेल्स क्या हुई इंक्रीज भाई अगर मैं क्रेडिट पॉलिसी रिड्यूस कर लेट सपोज टेन डेज कर दूँ तो हमारी सेल्स क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी राइट right? लेकिन 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 जब हमारी क्रेडिट पॉलिसी इंक्रीज होती है तो एक प्रॉब्लम और आती है प्रॉब्लम क्या आती है हमारा कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स बढ़ जाता है कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स बढ़ जाता है कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स क्या हो गया ध्यान से सुनना कि जब हमने लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए क्रेडिट दिया इसमें चांसेस ज्यादा होंगे कि कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए फिर कलेक्शन पीरियड बढ़ जाएगा अब हमें जो पैसे चाहिए होंगे हमें कहीं और से बोरो भी करने पड़ सकते हैं जब नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे सेल्स बढ़ेगी तो कलेक्शन के लिए ज्यादा टाइम लगेगा ज्यादा लोग लगेंगे तो कलेक्शन के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो ये क्या है कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स अगर सेल्स बढ़ रही है तो उससे कॉस्ट ऑफ़ रिसीवेबल्स या फिर अगर क्रेडिट पॉलिसीज बढ़ रही हैं क्रेडिट पॉलिसी के बढ़ने से सेल्स बढ़ रही है तो उससे कॉस्ट ऑफ़ रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे वहीं अगर हम अपनी क्रेडिट टर्म्स रिड्यूस कर दें डेज रिड्यूस कर दें तो हमारे कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स पीरियड्स रिड्यूस हो जाएंगे कि हमारे बैड डेट्स कम होंगे देखो लॉन्गर ड्यूरेशन में बैड डेट्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्टर ड्यूरेशन राइट लेट सपोज अगर मैंने किसी को लोन देना है एक फ्रेंड को जो दो साल के लिए मांग रहा होगा तो मुझे नहीं पता कि उसकी पोजीशन दो साल बाद कैसे होगी लेकिन अगर कोई दस दिन के लिए मांग रहा है तो मुझे पता दस दिन में उसकी पोजीशन कहीं मतलब फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा चेंज नहीं होने वाली ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिसिवेबल्स इसके बीच में ट्रेड ऑफ रहता है यार अगर मैंने ज्यादा पॉलिसी अगर ज्यादा डेज दे दिए क्रेडिट के सेल्स तो बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स भी बढ़ जाएगा कम दिए तो सेल्स कम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स भी कम हो जाएगा तो एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है फर्म को इन दोनों के बीच में ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट एंड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैश डिस्काउंट टर्म्स 3/15 नेट 40 मींस अच्छा ये जो हमारा है ये एक डिस्काउंट देने का मेथड है या रिप्रेजेंट करने का मेथड है इस मेथड का मतलब क्या है दैट व्हाट इज आस्किंग इन दॉल क्वेश्चन ठीक है क्या कह रहे हैं थ्री परसेंट डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड इन फिफ्टीन डेज अदरवाइज फुल पेमेंट इन फोर्टी डेज फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट ऑफ पेमेंट इन थ्री डेज अदरवाइज फुल पेमेंट इन फोर्टी डेज थ्री परसेंट इंटरेस्ट इफ पेमेंट मेड इन फोर्टी डेज एंड फिफ्टीन इंटरेस्ट देयर आफ्टर नन ऑफ दब इसमें से क्या करेक्ट मीनिंग है देखो जब कैश डिस्काउंट दिया जाता है कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि सप्लायर सेलर अपने कस्टमर्स और बायर को कहता है अच्छा अगर यू आप जल्दी पेमेंट करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे क्या कहता है अगर आप जल्दी पेमेंट करोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे उसको लिखा कैसे जाता है देखो ध्यान से सुनना इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है नेट फोर्टी का कि हमने जो क्रेडिट दिया है फोर्टी डेज के लिए दिया कस्टमर आया मैंने उसे कहा आपको मतलब ब्लड सपोज रेगुलर कस्टमर था तो आपको फोर्टी डेज का क्रेडिट मिलता है लेकिन हमने उसे क्या कहा अगर आप अगर आप फिफ्टीन डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो अगर आप फिफ्टीन डेज के अंदर पेमेंट करते हो तो आपको थ्री परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा थ्री परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ताकि कस्टमर्स जो हमारे बायर्स हैं वो इससे इन्फ्लुएंस हो और जल्दी पेमेंट करें

वैन customer एडवाइस इज कस्टमर टू मेल a special टू स्पेशल collection ऑफिस कलेक्शन सेंटर स्पेशल पोस्ट ऑफिस कलेक्शन सेंटर इज नोन एज अच्छा ये वाला क्वेश्चन अब कभी कभार क्या होता है ये कैश उसमें भी आ जाता है कैश मैनेजमेंट में या रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में भी मतलब दोनों में ही कंसिडर्ड कर लिया जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि कैश मैनेजमेंट भी हमें आना चाहिए मतलब बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कस्टमर से जल्दी पेमेंट रिसीव करनी है पार्ट हो गया ना रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का कस्टमर से जल्दी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट करनी है और पेमेंट मेथड जो हमने दिया है स्पीड पोस्ट ऑफिस कलेक्शन सेंटर वाला इस मेथड को क्या कहते हैं कंसंट्रेशन बैंकिंग लॉक बॉक्स सिस्टम सेंट्रलाइज कलेक्शन नन ऑफ दॉक हमने स्पेशल पोस्ट बॉक्स बना रखे हैं अलग अलग जगह पे कलेक्शन सेंटर्स बना रखे हैं पोस्ट बॉक्स जैसे उस सिस्टम को क्या कहते हैं हाँ जी देखो जो कंसनट्रेशन बैंकिंग होता है इसमें क्या होता है इसमें हम रीजनली डिस्पर्स कलेक्शन सेंटर्स खोलते हैं राइट सेंट्रलाइज कलेक्शन क्या हो गया सर सेंट्रलाइज कलेक्शन क्या हो गया कि हमारा एक ही हेड ऑफिस है वहीं पे कलेक्शन होगी जो हमारा लॉक बॉक्स सिस्टम होता है इसमें होता है कि हम पोस्ट बॉक्स बनाते हैं अलग अलग सेंटर्स पे और वहाँ से हमारे बैंक कलेक्शन कर लेते हैं उन चेक्स के मतलब कस्टमर्स उस पोस्ट बॉक्स में पेमेंट कर देंगे और हमारा बैंक उधर से कलेक्शन कर तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉक बॉक्स सिस्टम ठीक है समय आ गया फाइव क्वेश्चन तो अब कितने आंसर आपके ठीक हुए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ और अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे टू पी एम राइट right नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगर आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर डिस्कस करना चाहते हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पर बता दो उसके हम सी उठा लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नहीं तो हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी इस सीरीज को ठीक है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन सो दैट्स ऑल फॉर टूडे बाय बाय टेक केयर सी यू सून